रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, तो रैली में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा कार्यकर्ता भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा, वहीं सीएम विष्णुदेव साय जन आशीर्वाद यात्रा आज निकालेंगे। बड़ी खबर, रैली में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार आज थमेगा, तो दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय जन आशीर्वाद यात्रा आज निकालने वाले हैं। इस यात्रा में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, यात्रा में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार भी आज थम रहा है। दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय आज जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस यात्रा में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीन नाज हमारे साथ जुड़ गई है। नाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक तरफ चुनाव प्रचार प्रसार रायपुर दक्षिण का आज थम जाएगा, तो दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा आज निकाली जा रही है। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साहिल, देखिए आज जो है आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, इसके बाद जो है शोरगुल थम जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से जो है आज चुनाव प्रचार में जो है पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक देगी। और आज जो है भाजपा की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस रैली में मौजूद होंगे और पूरे जो जनताओं के बीच में जाकर जो है वो उनका जन आशीर्वाद मांगेंगे। और इसके इसमें जो है इनके साथ यहाँ के जो सांसद रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो इनके साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो है सभी यहाँ पर ताकत लगाने वाले हैं। और 13 नवंबर को जो है यहाँ पे चुनाव होंगे, 23 तारीख को मतदान होने हैं, तो ऐसे में जो है मतगणना जब होगी तब समझ में आएंगे कि नतीजे किसके पक्ष में है। लेकिन देखा जाता है कि 30 उम्मीदवार भी आज जो है इस बार मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा और बीजेपी की तरफ से जो है सुनील सोनी जो मुख्य प्रत्याशी है। तो इनके इनके अलावा जो 30 उम्मीदवार है वो कितने वोट इनके जो है काटने में सफल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो है आज जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर जब इसमें उतरेंगे तो लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, वोट बैंक और इसके साथ ही महिला और युवा भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो एक बड़ा वोट बैंक होती है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं भी जो है इसमें सैकड़ों लोग आज जनसभा में उतरेंगे। चलिए नाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।